सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं टेंथ के क्लास टेंथ के सब्जेक्ट साइंस के ऊपर। ठीक है, सो क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस क्लास में। और अपनी जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जहां तक कवर अप कर चुके हैं उससे आगे की बातों को हम लोग कवर अप करेंगे। आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है, और कई बार इससे एक नंबर के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को भी डिस्कस हम आज की क्लास में करेंगे। सो चलिए चलते हैं आज की क्लास के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सीखने के लिए। हम सीधे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कवर करते हैं आज की क्लास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। ठीक है, और आज कुछ क्वेश्चंस को हमको डिस्कस करना है। हमने प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ा, हमने साथ ही साथ अपवर्तनांक को पढ़ा, निरपेक्ष अपवर्तनांक को पढ़ा, जो बाकी जो पदार्थ हैं काफी सारे पदार्थों के लिए हमने अपवर्तनांक को देखा। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग इसको ही कर रहे हैं कंटिन्यू। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। ये रहे, चलिए सो वन बाय वन हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में से जो अधिकतम मतलब एक आध क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को समझेंगे और साथ ही साथ उनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, हम जब समझ पा रहे हैं ये सीधा सीधा प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है, समझ में आई बात। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या कहा जा रहा है हमसे कि प्रकाश की एक किरण वायु में चल रही है कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ऐसे तिरछे, और इसके बाद ये क्या करती है, ये यहां से जल में प्रवेश करती है। अब नीचे क्या आ गया, जल आ गया इसके। ये देखो यहां पर जो है ये जो मीडियम है ये जल है, इसके नीचे क्या भाई, जल है। ठीक है, इसके नीचे जल है, तो वायु की एक किरण आ रही है और ये यहां से जल में प्रवेश करती है। अब होना क्या चाहिए, हमने समझा है ऊपर क्या है, वायु है, ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, नीचे है जल। यानी ये एक माध्यम है, एक मीडियम ऊपर है और एक माध्यम नीचे है। हमने ये बात करी है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण सीधी न जाती हुई मुड़ जाएगी, तिरछी हो जाएगी, है ना। तो इसको मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। आ रही थी प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही थी। ठीक है, और जाना इसको कैसे चाहिए था, रास्ता इसका कैसा होना चाहिए था, इसका रास्ता होना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, देखो ऐसे सीधा जाना चाहिए था इसको, है ना, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सीधी जाती हुई किरण जो है ये मुड़ जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, मुड़ने के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, कहां पर से मुड़ेगी, कितना मुड़ेगी, किधर की तरफ मुड़ेगी। तो पहले जिस बिंदु पर, ये जो बिंदु है जहां पर ये तल चेंज कर रही है, अपना सरफेस चेंज कर रही है, माध्यम चेंज कर रही है, इस बिंदु पर मैं क्या करूंगा, एक अभिलंब ड्रॉ करूंगा। समझ में आई बात। तो जब अभिलंब ड्रॉ करा तो अब मुझे क्या पता लगा, अब मैं कैसे समझूंगा कि ये किरण किस तरफ जाएगी। देखो ये किरण जाने के दो रास्ते हैं, इस किरण को अब दो रास्ते मिलेंगे, ऐसे ऐसे भी जा सकती है, तिरछी जाएगी, पर ये तिरछी जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, मतलब जो डॉट डॉट लाइन इसका रास्ता है इससे तो ये नहीं जाएगी, और ऐसे भी जा सकती है, तिरछी तो दोनों तरफ हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब किधर की तरफ ये जाएगी,
इसको हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, एक टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग ऐसे करेंगे कि भाई हमारा वायु क्या है, वायु है हमारा विरल माध्यम, यानी कि वायु का अपवर्तनांक देख लो, वायु का क्या देख लो, अपवर्तनांक देख लो। ये देखो भाई, वायु का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.003, मतलब एक है, लगभग कितना है, एक है, है ना। तो वायु का अपवर्तनांक मैं देख पा रहा हूँ एक है, और नीचे क्या है, जल, तो जल का अपवर्तनांक है 1.33, है ना। ये क्या है, ये ज्यादा है, ये क्या है, ये ज्यादा है, ये क्या है, ये कम है। तो जब कम से ज्यादा अपवर्तनांक वाले में जाएगा प्रकाश, तो कम से ज्यादा वाले अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगा, तो हमने क्या सीखा था, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब जाना ऐसे चाहिए था, मुड़ेगी किस तरफ, अभिलंब की तरफ, मतलब ये वाली किरण सही बनाई है हमने, और जो बाहर वाली किरण है वो गलत है, जो बाहर वाली किरण है वो गलत है, मतलब इस किरण को हटा दो, इस प्रकार से ये जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से चित्र इसका बनाएंगे, ठीक है। तो वायु में गमन करती है प्रकाश किरण, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, तो किधर की ओर झुकी, किधर की ओर झुकी, देखो अभिलंब की ओर झुकी है ना। क्यों झुकी है, क्यों झुकी है, क्योंकि ऊपर माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, और नीचे माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, इसका उत्तर आप लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। प्रकाश किरण किस ओर की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। और इसका कारण है, इसका रीजन भी देंगे आप, इसका कारण बताइए, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब प्रकाश किरण विरल प्रकाशिक, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं हम इसको, वैसे विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आया है समझ में, आ गया है समझ में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी लोग जो है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की एक प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमें दो चीजें दे रखी है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है। हमें क्या बोला हुआ है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, हमें क्या ढूंढना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये तीन टुकड़ों में, हमने जो है क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करना होता है सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमसे क्या बोला, हमसे बोला गया क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्वेश्चन टू, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया क्या कि जो प्रकाश है वो क्या कर रहा है, वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो अपवर्तनांक की परिभाषा हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एन से, ठीक है, और फॉर्मूला कैसे लिखते थे, एन 2 1,
क्या होता था इसका मतलब, वन का जो बाद में लिखा हुआ है वो ऊपर आता था, तो मतलब वन बाद में लिखा हुआ है मतलब वन ऊपर आएगा। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक है, और टू पहले लिखा हुआ है तो टू नीचे आएगा, बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ये होता है अपवर्तनांक का मतलब, ये होता है अपवर्तनांक का मतलब, ठीक है। चाहे तो हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है वहां से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, यहां पर देखो क्या लिखा है, N21 माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब यहां पर हमको पता लगाना है कि ये माध्यम एक और माध्यम दो क्या है। अब यहां पर हमको पता लगाना है कि ये माध्यम एक और माध्यम दो क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला कि वायु से एक तरफ क्या है, वायु है, और दूसरी तरफ क्या है, कांच है। तो वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वायु हो जाएगा हमारा माध्यम एक और कांच हो जाएगा माध्यम दो। सिंपल सी बात, इतना काम हमने कर देना है, ठीक है। वायु हो जाएगा माध्यम एक और कांच हो जाएगा माध्यम दो, ठीक है, समझ में आई है बात। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, माध्यम एक की जगह क्या लिखेंगे, वायु, और माध्यम दो की जगह लिखेंगे कांच। तो आप, मैं इसको मिटा करके लिख रहा हूं, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आप नेक्स्ट लाइन में लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक की जगह क्या आएगा भाई, माध्यम एक की जगह आएगा वायु, और माध्यम दो की जगह क्या आएगा भाई, माध्यम दो की जगह आएगा कांच। अब मैंने आपसे क्या कहा, अब मैंने आपसे क्या कहा है, माध्यम दो को अगर हम एक, दोनों में से एक माध्यम हमारा वायु हो, दोनों में से एक माध्यम अगर हमारा वायु हो तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब उसको एन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एम की जगह क्या आएगा, जी। जी मतलब क्या भाई, ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो ये कांच के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक है, क्योंकि ऊपर है वायु में प्रकाश की चाल जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और नीचे है कांच में प्रकाश की चाल जिसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं। आ गई समझ में बात, ये सी है, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक तो हमको दे रखा है, मतलब एनजी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.50। देखो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये देखो 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट, ठीक है। और ये क्या दे रखा है हमें, ये वायु में प्रकाश की चाल, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, एक ही बात है, ठीक है। सी हमको दे रखा है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हमको ये वी निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और अपना वी निकालते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और अपना वी निकालते हैं। चलिए सो फॉर्मूला में वी पुट करके आंसर निकालेंगे, एन जी इज इक्वल टू सी कितना है भाई, चलिए तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से, एन जी की जगह कितना आएगा 1.50, सी की जगह आएगा 3×10⁸, और वी की तो वैल्यू है ही नहीं, तो वी को हम ऐसे लिखेंगे, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 3×10⁸ बटे 1.5। इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर अब आप बताएंगे कितना आएगा, किसका आंसर आ गया जरा हाथ खड़े करके बताएं, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस किस बच्चे का आंसर आया है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, जीजीआईसी गेटसन आप बैठ जाइए बेटा। चलिए तो समझ में आया ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे। यदि आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन, मैं यही वाला रख रहा हूं, इसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारा जो है ऐसे उतारिए, प्रकाश वायु से 1.33, यहां पर लिखेंगे 1.33, 1.33 अपवर्तनांक की
कांच की एक प्लेट में यहां पर लिखा है 1.33, अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक की जगह आप 1.33 ले लेना बस सिंपली, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। तो आप बताइए यहां पर कांच नहीं आएगा, जो माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है ये बताइए। अपवर्तनांक जो है आपके पास n की वैल्यू वो 1.33 रहेगी और c की वैल्यू वही रहेगी 3×10^8। b की वैल्यू आप बताइए कितनी आएगी। चलिए जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से कीजिए, एक मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। जिस बच्चे का क्वेश्चन हो जाता है जरा हाथ खड़े करके बताना। चलिए सो आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा बच्चों, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, आप मैच कर लीजिए। इसका आंसर आएगा v इज इक्वल टू 2.56×10^8 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों का यही आंसर आया है जरा हाथ खड़े करके बताना। बच्चों जब आपको समझ में नहीं आता है तो आप बता दिया कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बता दो, हैंड रेज कर दो, माइक से बोल दो, तो स्टार्टिंग में ही इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ क्योंकि क्लास का टाइम अब हमारा हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग प्रीवियस क्लास में नहीं थे, वहां पर हमने एक क्लास को कवर अप किया था। हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखे थे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला नियम तो सिंपल था, ठीक है, पहला नियम तो हमारे पास सिंपल था। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम ने हमको ये बात बताई, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। अभी डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, मंडे की जो क्लास होगी आपकी वहां पर एक बार फिर से मैं इस बात को समझा दूंगा। जो भी डाउट रहता है आपको ऑन द स्पॉट जरूर पूछना है। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो कुछ इस प्रकार का आया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, और इस स्थिरांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का क्या, अपवर्तनांक। तो ये जो अपवर्तनांक है ना, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से लिखते हैं, ठीक है। और ये सब माध्यम, यानी कि जैसे वायु है, वायु एक माध्यम है, वायु के लिए इसका मान अलग होता है। बर्फ एक माध्यम है, बर्फ के लिए इसका मान अलग होता है। जल एक माध्यम है, जल के लिए इसका मान अलग होता है। एक्चुअल में ये हमको क्या बात बताता है, इसके मान से हमको क्या लेना देना, क्या हमको फर्क पड़ेगा, इसके मान से हमको सिर्फ एक बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी कि वायु की चाल, सॉरी प्रकाश की चाल उस माध्यम में कितनी है, प्रकाश की चाल उस माध्यम में कितनी है। क्या लिखा है यहाँ पर, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल को बताता है। मतलब कि देखो एक एग्जाम्पल से समझो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बर्फ में प्रकाश की चाल 1.31 है, सॉरी बर्फ का जो अपवर्तनांक है 1.31 है, और इसके अलावा जो क्राउन कांच है उसका अपवर्तनांक 1.52 है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा तेज होगी, तो आप कहेंगे कि इसका अपवर्तनांक कम है इसीलिए बर्फ में प्रकाश जो है ज्यादा तेज गति से चलेगा, और इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो यहां पर प्रकाश की गति कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समझ में आ गया ये बात, किस किस के समझ में आई जरा हाथ खड़े करना, ये बात किस किस के समझ में आई, ठीक है, गुड। अब हाथ नीचे कर लो, जो न्यूमेरिकल करवाया था उसका करने का मतलब भी यही था। हमने क्या बोला क्वेश्चन में, यहां पर देखो जो क्वेश्चन है अब आपको वो दिखाता हूं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया बेसिकली, कहां चला गया, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि प्रकाश वायु से कांच की प्लेट में जा रहा है, प्रकाश वायु से कहां जा रहा है, कांच की प्लेट में। अब हमारा दिमाग चला, हमने कहा कि जो हमने टेबल देखी थी उसमें वायु तो क्या है, सबसे ऊपर है, वायु तो क्या है, सबसे ऊपर है, ये रहा वायु, और कांच क्या है, कांच काफी नीचे है, ये रहा कांच,
ठीक है, दो कांच होते हैं, ये बताया था मैंने आपको, एक फ्लिंट कांच होता है, एक क्राउन कांच होता है। हम अभी क्राउन कांच की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, वायु का अपवर्तनांक कितना है 1, कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.52, ज्यादा किसका, ज्यादा किसका, इसका अपवर्तनांक। दैट मीन्स कि यहां पर प्रकाश की चाल कितने आने वाली है, कम आने वाली है, प्रकाश की चाल कम आने वाली है। तो देखो हमने जब सॉल्व करा, हमने जब सॉल्व करा तो हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर आया था 2 × 10⁸, और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ m/s। तो कम आया नहीं आया, आ गया ना। तो यही बस इतना ही काम करते हैं हम अपवर्तनांक में। अब ज्यादा डिटेल में आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही समझा सकता हूं। जाते जाते आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहां पर अगर आप लिखना चाहें याद करने के लिए, तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ m/s। ये 10⁸ से क्या मतलब होता है कि 3 के आगे 8 जीरो लगेंगे, कितने जीरो लगेंगे, 8 जीरो, ठीक है। और यहां पर क्राउन कांच की, जो क्राउन कांच में प्रकाश की चाल हमने निकाली थी वो आई थी 2 × 10⁸ m/s। तो ये ज्यादा है, ये कम है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा। समझ में आ गई है ये बात, ये पॉइंट किस किस की समझ में आया जरा हाथ खड़े करना, ठीक है, गुड, हाथ नीचे। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक में डाउट चल रहा है तो ऑन द स्पॉट उसको क्लियर कीजिए, बता दिया करिए, ठीक है। क्योंकि क्लास का टाइम हमारा बहुत कम होता है, 30 मिनट्स मिलते हैं ओनली, उस 30 मिनट्स में हमको काफी कुछ कवर अप करना रहता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।